Hello, hello everyone. Very good morning to all. Myself, Mrs. Anjali Sarode, and you are the students of class 2nd from Tata Chem DAV Public School, Mithapur. Subject EVS, My Living World. Children, today we are going to learn new lesson. Lesson number 2, more on personal cleanliness and good habits. Okay? And today's topic, to keep our body clean. So ready for that? Take out your textbook, EVS textbook, lesson number 2. This is your page. You have to write down here date. Okay? आप पहले क्या करेंगे? Date डालेंगे. कहाँ पे? यहाँ पे. Okay? You have to write down D-A-T-E, date. And write down here CW. अभी class, ये online class है, तो कोई बात नहीं. CW लिखो, class work है इसलिए. Okay? So lesson number 2. Say with me, more on personal cleanliness and good habits. So this is lesson number 2. तो इसमें जैसे last year we learnt how to keep our body clean. Let us know more about cleanliness and good habits. अभी इस last year में तो आपने ये सब देखे थे चीजें, कौन से things that we used for cleanliness है ना, कौन कौन से चीजें हम use करते हैं वो हमने देखा था last year में. I taught you, but now today we are going to learn about the cleanliness. So come on, this is your page, page number 15, and these are the important points. Okay, one by one we will going to learn. So are you ready? So put your finger here on first line, to be healthy, it is very important to keep our body clean. See what all we do during the day. पूरे दिन में हम क्या कैसे करते हैं, वन बाय वन वी विल सी हियर. ओके, कम ऑन. सो नंबर 1, वी ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, वी वॉश अवर माउथ आफ्टर एवरी मील. वी ब्रश, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ब्रश अवर टीथ? टू टाइम्स. ट्वाइस अ डे मीन्स टू टाइम करना है, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और रात में सोने से पहले ऐसे दो बार हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. एंड वी वॉश अवर माउथ आफ्टर एवरी मील, जैसे हम हैंड वॉश करते बिफोर और आफ्टर मील. हाउ मेनी मील्स इन अ डे? जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जब भी खाना खाते हैं तो दैट टाइम यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर. हाँ, तो वैसे ही माउथ एवरी मील यू शुड क्लीन और वॉश अवर माउथ विथ वाटर. ओके, सो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, वी टेक अ बाथ डेली. आप डेली बाथ तो लेते हैं ना. हाँ, तो चाहे विंटर कोई भी सीजन हो, यू शुड टेक अ बाथ डेली. ओके, वी क्लीन अवर आइज, ईयर्स एंड नोज. अभी बात करते समय सिर्फ पानी नहीं डालना है, तो वॉट यू विल डू? यू विल क्लीन अवर ईयर्स. आपके जो आईज होते हैं, हमें अपने आईज, ईयर्स, नोज, ये भी जो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई मीन्स हम वहाँ तक भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए. उंगलियाँ, नाखून भी क्लीन करने चाहिए, टोज इवन ऑल्सो. सो ऑल दिस बॉडी पार्ट्स यू शुड क्लीन विथ योर रबिंग योर हैंड्स. ओके, फिंगर्स जो है वो रब करके अच्छे से आपको ये क्लीन रखना है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट पिक्चर, सी नेक्स्ट पिक्चर, थर्ड पिक्चर, वी वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. हमें क्लीन, साफ सुथरा जो भी ड्रेस है, यूनिफॉर्म हो, चाहे घर की क्लोथ हो या बाहर जाने की हो, वी वियर क्लीन क्लोथ. ओके, एंड आयरन क्लोथ, आयरन किए हुए हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आयरन करते समय गर्म होते ही ना इसलिए, तो जर्म्स भी हो तो मर जाते हैं इस तरह से. और आयरन किया हुआ कपड़े से हम लुक बहुत शाइनिंग होता है, स्मार्ट दिखते हैं. सो वी वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ. अगर आयरन नहीं है और नहीं कर पाते आप, यू फोल्ड इट प्रॉपरली एंड कीप इट दैट योर ड्रेस और यूनिफॉर्म इन अ प्रॉपर प्लेस, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा हेवी चीज़ रखेंगे तो और अच्छा सा आयरन जैसे दिखाई देगा. ओके, वी कोम अवर हेयर नीटली. सेकेंड थिंग, कोम अवर हेयर नीटली, नहीं तो हम कैसे दिखेंगे कैसे भी, है ना. तो हमारी हेयर जो है अच्छे से हमें कोम करना है, साफ सुथरा दिखने के लिए हेयर भी अच्छे रखना चाहिए. ओके, नीटली रखने चाहिए. वी ऑयल अवर हेयर रेगुलरली, और उसके लिए ऑयल अगर हम लगाएंगे
जो भी आपको पसंद है तो वो ऑयल आप रेगुलरली उसको यूज़ करो, तो उड़ेंगे नहीं बाल और दिखने में भी अच्छे दिखेंगे और कॉम भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर, नंबर फोर पिक्चर सी, वी कट आवर नेल्स रेगुलरली। रेगुलरली हमें नेल कट करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ योर टीथ। नो, मुंह में डाल के नहीं करना है कट, यू शुड यूज फॉर दैट पर्पज व्हाट इज दिस नेल कटर। ओके, इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल क्लीनिनेस वी विल बी अनहेल्दी एंड सिक। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, पर्सनल हाइजीन और क्लीनिनेस नहीं रखते हैं, तो वॉट हैपन, वी विल बी अनहेल्दी, हम अनहेल्दी होंगे और सिक होंगे, बार बार बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, है ना, इन्फेक्शन होगा। सो बेटर टू टेक केयर। ओके, सो इन दिस वे यहाँ तक तो अपना पूरा हुआ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होता है। ओके, ओके, सी, जूम करके देखा है मैंने, लुक एट मनु, दिस इज मनु, हिज नेम इज मनु, ये बॉय का नाम है मनु, ही इज सीक एंड अनहेल्दी। लगता है ना उसको देख के, ओ कैसा लड़का है, सीक एंड अनहेल्दी, भाई देखेंगे क्यों ऐसा दिखता है। ओके, वन बाय वन, मनु डज नॉट ब्रश हिज टीथ, मनु ब्रश करता ही नहीं है, तो करना चाहिए ना, नहीं करता है तो देखो कैसे दिखता है। और वॉयलेटिंग, देखो अगर खान जो एप्पल है वो ठीक से खा नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत से टूथ डीके प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। सो ब्रशिंग हेल्पस टू फाइट टूथ डीके। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे दांत मजबूत हो तो उसको भी, गम्स को भी, मसूड़ों को भी एक्सरसाइज देनी पड़ती है ना, तो कुछ ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए कच्चे तौर पे, और कि ताकि उसको मसाज मिले, एक तरह की एक्सरसाइज मिले, एंड रेगुलर यू शुड ब्रश योर टीथ। ओके, सो ब्रशिंग हेल्पस टू फाइट टूथ डीके, क्लियर? नेक्स्ट, मनु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। मनु देखो डेली बात करता ही नहीं है, कभी मन चाहे तो कर ली, नहीं तो छोड़ दिया, वही ड्रेस वही कपड़े पहन के निकलता है, केयर ही नहीं करता। ओके, केयरलेस बॉय, ही इज अ केयरलेस बॉय बोलेंगे, ऐसे बॉय को ऐसे ही बोलते हैं। ओके, इफ़ वी डू नॉट टेक अ बाथ रेगुलरली वी स्मेल। अगर हम बात नहीं करते हैं तो हमारे कपड़ों से, बॉडी से स्मेल आता है। देखो उसके फ्रेंड भाग के चले जा रहे हैं, मुंह पे हाथ रख रहे हैं, नाक पे, एंड दे आर अवे फ्रॉम देयर फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड है ये मनु, उसे भाग के चले जा रहे हैं। सो मनु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे, तो हमें क्या करना है, बात डेली करनी ही है। नेक्स्ट, मनु डज नॉट कोम्ब हिज हेयर। देखो कैसे बाल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अगर कोम के बाल कितना स्मार्ट लगते हैं ना हम लोग। ओके, सो इफ वी डू नॉट कोम अवर हेयर इट इचेस। क्या होता है अगर बाल हमने नहीं किए हैं ठीक से, तो इचिंग होती है बालों में। ओके, बार बार उसी तरफ हाथ जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा वो, है ना। सो दैट्स व्हाई सब लोग मनु को अवॉइड करते हैं उसके साथ फ्रेंडशिप करने में, बिकॉज सी मनु इज लुक्स हेल्दी, अनहेल्दी, सॉरी। तो नेक्स्ट देखेंगे, मनु डज नॉट कट हिज नेल्स। देखो मनु की दूसरी चौथी बुरी आदत क्या है, डज नॉट कट हिज नेल, नेल्स कभी कट नहीं करता। देखो उसके नेल्स कैसे लंबे हैं, अच्छा लंबे भी है, अंदर क्या है, मैल है, जर्म्स है उसके अंदर। क्यों, जर्म्स लिव एंड ग्रो इन हिज नेल्स। अब अगर नेल कट नहीं करता, साफ नहीं करता, क्लीन नहीं करता है, तो जर्म्स वो नाखून के अंदर रहते हैं, छुपे रुस्तम रहते हैं, वो जर्म्स भी छुप जाते हैं नाखून के अंदर। और वॉइल ईटिंग, कितना भी आप हाथ धो पर वो इंटर थ्रू फूड, फूड के माध्यम से वो अंदर अपने पेड़ में जाते हैं, पेट में जाते हैं, स्टमक में, और फिर स्टमक में गुड़गुड़ी होना शुरू होता है, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर डायरिया होता है, सो मेनी दिस इज दिन ऐसे हो सकता है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना, इसे हमें मनु जैसे नहीं बनना है, हमें स्मार्ट हेल्दी बॉय बनना है। क्लियर? ओके, सो नाउ टाइम टू गिव यू होमवर्क, राइट इन योर सी डब्ल्यू बुक। ये जो होमवर्क दे रही हूँ आप कहाँ लिखेंगे, आपके सी डब्ल्यू बुक में लिखेंगे। क्लियर? तो उसमें लिखते समय आप डेट डालेंगे, एच डब्ल्यू लिखेंगे, लेसन नंबर टू लिखेंगे, अगर पूरा नाम नहीं एक लाइन में आता है तो आप दूसरी लाइन में लिखो पूरा नाम, और फिर बाद में ये क्वेश्चन लिखना। ओके, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लेसन टू अगर नहीं आता है तो।
ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट लेसन नंबर एंड लेसन का पूरा नाम लिखना है. मोर ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड गुड हैबिट्स. देन क्वेश्चन ए, राइट हार्ड वर्ड्स. आपको ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, टू टाइम्स लिखना है. मैंने एक ही टाइम लिखा है यहाँ पे, आपको टू टाइम्स लिखना है. ओके, पहले फर्स्ट वन टाइम लिख लो, बाद में जब भी वक्त मिलता है तब यहाँ पे लाइन खींच के दूसरी टाइम लिख सकते हैं. नंबर वन हेल्दी, सेकंड नंबर अनहेल्दी, थर्ड ट्वाइस, फोर डेली, फाइव मिल, सिक्स कोम्ब, सेवन रेगुलरली, एट आयन, नाइन क्लीनिनेस, टेन पर्सनल एंड एलेवन सिक. तो एलेवन वर्ड्स दिए हैं मैंने. देखो आयन का यहाँ पे आय है, आर के पहले क्या है, आय है, ध्यान में रखना. या चेक योर फ्रॉम योर बुक. और ये जो वर्ड्स दिए हैं यू हैव टू अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक. जितने में भी वर्ड्स दिए हैं अपन सर्च करो अपने बुक्स में और टेक्स्ट बुक में और अंडरलाइन करो. सेम वर्ड यू हैव टू राइट इन योर सी डब्ल्यू बुक जो दिए है एलेवन वर्ड्स. ओके, फिर वन लाइन लीव करो, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं आप. बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंस दिए उसको कंप्लीट करना है बुक में से सर्च करके. वी ब्रश, नंबर वन, वी ब्रश अवर टीथ डैश अ डे. कितनी बार करना है बुक में से सर्च करो और आंसर ढूंढ के लिख लो. नंबर टू, वी टेक अ डैश डेली. हमें क्या करनी चाहिए डेली, अभी तो हुआ है. सो यू हैव टू सर्च फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड राइट डाउन. नंबर थ्री, वी डैश अवर हेयर नीटली. किससे क्या करना है हेयर, हाँ सर्च आपको करना है. नंबर फोर, वी कट अवर डैश रेगुलरली. क्या कट करना है रेगुलर. तो ये फोर सेंटेंसेस यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड डू एज अर्ली एज पॉसिबल विदाउट फेल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन. रीड पेज नंबर, वो जो फर्स्ट पेज है यू हैव टू रीड एंड अंडरलाइन ऑल हार्ड वर्ड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you.